इनवॉइस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग ऑन अ पर्टिकुलर पोर्टल। मैं आपको ई इनवॉइस पोर्टल पर लेकर आई हूँ, ये है ई इनवॉइस 1.gst.gov.in। यहाँ क्यों लाई हूँ, आप सभी को पता होगा, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि 1 अप्रैल 2022 से ऐसे टैक्स पेयर्स जिनकी टर्नओवर 20 करोड़ या उससे ज्यादा है उन्हें भी ई इनवॉइस बनाने के लिए मैंडेशन में डाल दिया गया है। धीरे धीरे फेस वाइज ये स्टेप लिया जा रहा है, काफी सारे पर्सन अब इस कैटेगरी में आ जाएंगे जिन्हें ई इनवॉइस मैंडेटरी बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल हो रहा है। यानी आपको तैयारी करनी है, आपको ये जानना है कि क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगा या नहीं। हो सकता है आपके क्लाइंट्स भी हो, अब वो आपसे क्वेरी करेंगे कि बता दीजिए हम पे इनवॉइस एप्लीकेबल होगा या नहीं। तो ये ई इनवॉइस पोर्टल पे एक बहुत अच्छी ऑप्शन आ चुकी है जहां से आप देख सकेंगे कि क्या आप पर इनवॉइस एप्लीकेबल है। आज जो ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपके कुछ क्वेश्चंस थे मेरे पास ई इनवॉइस की मेरी पहले वीडियो पर कि किस पे एप्लीकेबल होगा, क्या एग्जाम सप्लाई पे भी एप्लीकेबल है, क्या नील रेटेड सप्लाई पे भी एप्लीकेबल है, कि एक्सपोर्ट के लिए एप्लीकेबल है, एक्सेट्रा। वो क्वेश्चन भी मैं आपके यहाँ पे क्लियर कर दी। और दूसरा जो ये 20 करोड़ की टर्नओवर है ना ई इनवॉइस के लिए, ये किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी टर्नओवर की लिमिट 20 करोड़ से ज्यादा हुई है तो आप पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये जानना कि आप पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल है या नहीं। तो यहीं पे फंक्शनैलिटी दे दी है, या आप सर्च टैब में आएंगे, ई इनवॉइस स्टेटस ऑफ टैक्स पेयर पे क्लिक करेंगे, जीएसटी नंबर और कैप्शन डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या उनके लिए ई इनवॉइस एनेबल हुआ है या नहीं। कुछ नोट है नीचे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा गया है कि जिस बेस पे ये आपको बताएगा, सिस्टम जिस बेस पे आपको बताएगा कि आप पे इनवॉइस एप्लीकेबल है नहीं, वो टर्नओवर कहाँ से पिक करेगा, जीएसटी पोर्टल से। आपको पता है वहां पे पोर्टल पे अब आपकी टर्नओवर भी शो होती है। और अगर आपका स्टेटस आ जाए कि एनेबल, यस आपके लिए इनवॉइस एप्लीकेबल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बनाना ही पड़ेगा। हो सकता है आप एग्जाम अप्लाई करते हो, ये तो टर्नओवर उठा लेगा चाहे आपकी एग्जाम हो, या फिर आप पे एप्लीकेबल ही नहीं है किसी ऐसी कैटेगरी में आप आते हो, तो आप क्या कर सकते हो, यू नीड नॉट बी कंसर्न अबाउट द एनेबल स्टेटस एंड यू मे प्लीज इग्नोर द सेम। तो आपको पूरी तरह से इसी पे बेस्ड नहीं होना, आपको खुद भी इस चीज का ध्यान रखना है कि क्या आप पे एप्लीकेबल है या नहीं। कोई ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन भी हो सकता है जिसको ई इनवॉइस बनाना है बट यहाँ पे चेक करने से उसका स्टेटस आए नोट एनेबल, तो उसको क्या करना है, फिर वो क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन में ई इनवॉइस एनेबलमेंट एक फैसिलिटी मिलेगी, वहां से एनेबल उसे करा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ जीएसटी नंबर डाल के दिखाती हूँ कैसे आएगा स्टेटस। तो देखिए जैसे ही मैंने एक जीएसटी नंबर डाला, रेंडमली डाला, तो यहाँ पे उनके लिए स्टेटस आया है ई इनवॉइस इज नॉट एनेबल्ड फॉर दिस टैक्स पेयर इन पर्टिकुलर, जो ये रजिस्ट्रेशन है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इनकी टर्नओवर किसी भी ईयर में, प्रीवियस किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 20 करोड़ से ज्यादा हुई ही नहीं थी। तो यहाँ पे जो इनका स्टेटस आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो आप भी एक बार अपना स्टेटस यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, फिर आपको खुद भी देखना है कि ई इनवॉइस रूल्स क्या कहते हैं, क्या मुझ पे एप्लीकेबल है या नहीं, यहाँ से भी देख लो बट खुद भी फिर करेक्टनेस उसकी चेक कर लो जैसा कि यहाँ पे नोट में लिखा है। अब आपके क्वेरीज सॉल्व करती हूँ। ये मैंने आपको बताया यहाँ ई इनवॉइस पोर्टल पे जो हेल्प मेन्यू है इसमें काफी सारे यूजर मैनुअल्स और फिर FAQ यहाँ डले हुए हैं। तो FAQ पे अगर आप जाएंगे ना, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ ऐसे FAQ निकाल दिए जो आप मुझसे पूछ रहे थे। पहले हम जानेंगे व्हाट सप्लाईज आर प्रेजेंटली कवर्ड अंडर ई इनवॉइस। यहाँ लिखा है सप्लाईज टू रजिस्टर पर्सन B2B SEZ विद और विदाउट पेमेंट, एक्सपोर्ट्स विद एंड विदाउट पेमेंट, डीम्ड एक्सपोर्ट्स बाय नोटिफाइड क्लास ऑफ टैक्स पेयर्स आर करंटली कवर्ड अंडर ई इनवॉइस। अब नोटिफाइड क्लास ऑफ टैक्स पेयर्स कौन है, जिनकी टर्नओवर 20 करोड़ या उससे ज्यादा है। देन आते ही बात, क्या B2C सप्लाई के लिए भी कोई रिपोर्टेड है नोटिफाइड पर्सन, तो यहाँ लिखा नो, रिपोर्टिंग B2C इनवॉइस बाय नोटिफाइड पर्सन इज नॉट एप्लीकेबल या अलाउड करंटली। देन क्वेश्चन है इज ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल फॉर नील रेटेड और होली एग्जाम्प्टेड सप्लाई, तो आंसर है नो, इन दोज केसेस अ बिल ऑफ सप्लाई इज इशूड एंड नॉट अ टैक्स इनवॉइस। इस केस में इनवॉइस होता ही नहीं है, बिल ऑफ सप्लाई होती है। देन अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए इम्पोर्टेंट, हाई सी सेल और बॉन्डेड वेयर हाउस पे भी क्या ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, ये तो हमारी सप्लाई नहीं है, जो ट्रांजेक्शन सप्लाई नहीं है तो इसीलिए उस पर तो इनवॉइस एप्लीकेबल होगा ही नहीं। यहाँ लिखा है दीज एक्टिविटीज एंड ट्रांजेक्शन आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नोर सप्लाई ऑफ सर्विस एज पर शेड्यूल 3 ऑफ CGST एक्ट। Then what is the applicability of e-invoice for import transactions? E-invoice is not applicable for import bill of entry. For which sectors e-invoice is not applicable? ये आगे सेक्टर्स हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स, इंश्योरेंस,
banking company or financial institution including NBFC, goods transport agency supplying services in relation to transport of goods by road in a goods carriage, supplier of passenger transportation service, supplier of service by way of admission to exhibition of cinema autograph film in multiplex screen, and person registered in term of rule 14 of CGST rules, yani OIDAR, online information data access retrieval, jo providers hain un par bhi applicable nahi hain. अब देखिए यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन दिया है. आर एंटिटीज एग्रीगेट टर्नओवर है क्रॉस द प्रेस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग 2021 फ्रॉम व्हाट डेट आई एम सपोज टू स्टार्ट इनवॉइसिंग. तो यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से, क्योंकि ई इनवॉइसिंग के लिए टर्नओवर कौन से ईयर की देखनी है, प्रीवियस ईयर की. तो इस केस में वो पर्सन ई इनवॉइस बनाने के लिए कब एप्लीकेबल होगा, 1 अप्रैल 2021 ऑनवर्ड्स. 2021 में टर्नओवर हो गई 20 करोड़ से ज्यादा, तो 1 अप्रैल 2021 से वो लाइबल हो गया ई इनवॉइसिंग के लिए. रिगार्डिंग द टर्नओवर थ्रेशोल्ड, अब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है. द ई इनवॉइस नोटिफिकेशन मेंशंस एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग ईयर सिंस 1718 कंसीडरिंग जीएसटी वाज इंप्लीमेंटेड सिंस 1st July 2017 हाउ आर टू रेकन एग्रीगेट टर्नओवर फॉर 1718 1718 की कैसे देखें. तो 1718 की जो आपको टर्नओवर ये देखनी है वो एग्रीगेट टर्नओवर देखनी है फ्रॉम 1st July 2017 टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है. अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या ये आईएसडी पे एप्लीकेबल है, नहीं. तो ये एप्लीकेबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके साथ कवर कर लिए. एफएक्यू में आप आएंगे ना, काफी सारे यहाँ पर आपको एफएक्यू मिल जाएंगे जिसको पढ़ के आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी. तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आप तैयार हैं अब ई इनवॉइसिंग के लिए, तैयारी कर लीजिए अगर आप पे एप्लीकेबल है. हमारी वेबसाइट studywadi.com पे हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं. जीएसटी कोर्स अभी लाइव क्लासेस के साथ चल रहा है जिसमें रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है लेक्चर्स की, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं. अपडेटेड जीएसटी कोर्स रहेगा ये. देन इनकम टैक्स का हमारा कोर्स है ये, फाइनेंशियल ईयर 2021 की आईटीआर नए पोर्टल पे इसमें कवर कर रखी है, आईटीआर 1 टू आईटीआर 4. जीएसटी एंड इनकम टैक्स कोर्स का कॉम्बो अवेलेबल है. फाइनेंशियल ईयर 2021 की अगर आपको एनुअल रन और 9C सीखनी है तो 3 घंटे का सेशन है, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं. और अगर आप बहुत सारी बैलेंस शीट्स बनाते हैं तो आप हमारा ये ऑटोमेशन का कोर्स ले सकते हैं. हमारे सभी कोर्सेज के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सिंपली आइए www.studywadi.com और वहाँ पे हमारे कोर्सेज को विजिट करिए, अच्छे से स्टडी करिए क्या चीज़ें इनमें कवर है, और फिर अगर आपके लिए रिलेवेंट हो तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.